कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत बहुत ही लाजवाब चीज़ से हुई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज हम बनाएंगे रसगुल्ले, तो वही मैं बनाना आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, पतीले में मैंने चीनी डाल दी है। इसमें मैंने ये देखिए 250 ग्राम जो है मतलब चीनी डाली हुई है, और पानी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख लें। और ये देखिए, चाशनी हमारी बन करके हो गई है तैयार। बस हम लोगों को चीनी डाल करके उसको गर्म ही करना है, ज़्यादा गाढ़ा चाशनी को नहीं बनाना है। और ये गुलाब जामुन का पैकेट मैंने लिया है और थाली लिया है। अब इसमें इसको काट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसके बारे में, पैकेट के बारे में मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और इस तरीके से अगर आप अपने रसगुल्ले बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इतने लाजवाब बनते हैं बहुत ज़्यादा, और मार्केट से भी अच्छे बनते हैं मैं ये कहूँगी। तो वही आज हम लोग बनाएंगे। और अगर आपने इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है इसी तरीके से आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। कई लोग, बहुत सारे लोग जो हैं रसगुल्ले बनाने में, मतलब गुलाब जामुन बनाने में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जिनके कारण उनकी जो है गुलाब जामुन अच्छी नहीं बन पाती है। तो ये देखिए, पैकेट आप लोग देख लीजिए कितने का है, कितना वेट है, क्या क्या है इस पर, सब कुछ दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और इस पर क्वांटिटी भी दी है कि 35 रसगुल्ले जो है इसमें गुलाब जामुन बनेंगे। बट मैंने इसमें से कितने बनाऊँगी देखते हैं, क्योंकि मैं थोड़े बड़े बड़े साइज़ की बनाऊँगी, कुछ बड़े साइज़ के, कुछ छोटे साइज़ की, जितने अपने घरेलू मतलब अपने तरीके से बनाऊँगी मैं, जैसे भी बनाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि उसमें 35 लिखा है तो हमें 35 ही बनाने हैं। तो ये मैंने दूध लिया है एक कटोरी, और ये फुल फैट के साथ में है, तो इसकी जो है मलाई हम लोगों ने निकाली नहीं है, तो फुल फैटी दूध है ये, तो ये लिया है मैंने। और इसका डो अब हम लोग तैयार कर लेंगे। डो आप उंगलियों की हेल्प से ही तैयार करें, और उसी तरीके से तैयार करें धीरे धीरे, दूध डाल करके, या पानी भी ले सकते हैं आप इसकी जगह, बट मेरे पास फैटी दूध था तो मैंने फैटी दूध ले लिया। और ये देखिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा दूध डाल देंगे तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसमें डालने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें रसगुल्ले का पाउडर ही चाहिए होगा, हम इसमें और कुछ आटा वगैरह नहीं मिक्स कर सकते मैदा। तो इसीलिए आप आराम से दूध डालें, आराम से इसका डो बनाएँ, ताकि जो है ये गीला ना हो और उसी तरीके से बने जितना हमें चाहिए, जैसा चाहिए। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से इसका डो बना करके तैयार कर लूँगी। जब भी आप रसगुल्ला बनाएं तो ध्यान रखें कि उसका डो जो है उंगलियों की हेल्प से ही हमें बनाना है, ना कि उसको ज़्यादा तेज़ गूंदना है, ना ही उसको ज़्यादा ऐसे मसलना है, हमें आराम से ये डो बहुत ही अच्छा, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना इसमें से, बहुत ही अच्छी। जैसे ही मैंने दूध डाला तो ये देखिए, और हमारे इधर लॉकडाउन चल रहा है तो उसी के उपलक्ष्य में ये रसगुल्ले जो हैं बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट में खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो घर में बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, तो क्योंकि बच्चे बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ना इसलिए। तो ये देखिए, डो हमारा इस तरीके से बन करके हो गया है तैयार। हमको इसको चिकना नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। और अब मैं जो हमारी चाशनी बन रही है उसको कढ़ाई में पलट लूँगी, क्योंकि क्या होता है कि होटल में जब चाशनी बनाई जाती है तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती है, क्योंकि वो यूज़ होती रहती है उनकी। लेकिन हम अपने घर में जब चीज़ें बनाते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी में चीज़ों को रखते हैं कि बर्बाद ना हो, फिके ना बाद में। तो इसीलिए देखिए, मैंने पतीले में बना ली थी और कढ़ाई में पलट लिए, ताकि ये चाशनी जब तक हम लोग रसगुल्ले को फ्राई करेंगे तब तक ठंडी हो जाएगी। और ये देखिए, इधर अब हम, मैं गैस पर जो है रिफाइंड ऑयल रख देती हूँ। तो आप इसको रसगुल्ले को फ्राई करने के लिए घी का, वनस्पति घी का, ऑलिव ऑयल का, सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर घी में बनाएंगे ना, घी में फ्राई करेंगे तो इनका टेस्ट इतना लाजवाब होता है, बहुत ज़्यादा। किसी दिन मैं बना करके बताऊँगी, बट आज मैं आपको रिफाइंड ऑयल में ही बता रही हूँ। तो ये देखिए, अब हम इनको बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने रसगुल्ले बनाना स्टार्ट नहीं किया है, सारी तैयारियां कर ली हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं या जो लोग मुझसे पुराने तरीके से जुड़े हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि मैं जो चीज़ उठाती हूँ वो चीज़ दूसरी जगह नहीं रखती, वहीं पर रखती जाती हूँ, ताकि हमारा घर फैले ना। सबसे अच्छी बात यही है अपने घर को अच्छा रखने के लिए, कि आप जो भी चीज़ उठाएँ अपनी जगह पर रखते जाएँ, तो उससे हमारा घर जो है अस्त व्यस्त नहीं होता है। तो ये देखिए, मैंने उसकी छोटी छोटी लेइयाँ तोड़ ली हैं और हाथ में लगाया है वनस्पति, मतलब ये रिफाइंड ऑयल।
आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकती हैं, बट मैं ये पूरा आपको ऑयल में बनाना बता रही हूँ। हर किसी के पास में घी अवेलेबल नहीं होता है इतने ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बनाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं और हल्के आँच से बनाएं। तो ये देखिए हमारे इस तरीके से रसगुल्ले जो हैं बन करके हो गए हैं तैयार। जब भी आप बनाएं तो इसकी एक सबसे बड़ी सावधानी ये है कि इसको ऐसे बनाएं कि इसमें जोड़ ना बचे, मतलब फटा हुआ सा ना दिखे। अगर फटा हुआ सा हमारा गोली बनाने में दिखेगा तो रसगुल्ला हमारा जा करके कढ़ाई में फट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप हल्के हाथ से बनाएं। ये देखिए सारे मैंने इसी तरीके से लगा लगा करके आसानी से बना लिए हैं। तो चलिए अब इनको आया है फ्राई करने का टाइम, बना लेते हैं। ये देखिए रसगुल्ले हमारे बन करके हो गए हैं तैयार, और कढ़ाई में जो हमने ऑयल रखा था वो भी गर्म हो गया है, चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई है। और चाशनी को हमें गर्म ही रखना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, एकदम ठंडी नहीं करना है बिल्कुल, चाशनी हमारी गर्म ही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ज़्यादा देर पहले नहीं बनाई है, साथ साथ में ही बनाई है। तो ये देखिए हल्का सा मैंने उसमें डाल करके देख लिया गुलाब जामुन में से तोड़ करके, हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया। अब हम इसमें जो है आराम से, तो ये देखिए मैं एक एक करके उसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। तो चलिए इसको डालते हैं, इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैं आपको रसगुल्ले बनाना बता रही थी, वैसे भी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा बनाना खाना तो बनता ही है। तो देखिए जब तक हमारे रसगुल्ले फ्राई होते हैं तब तक मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर ली जाए। तो कैसे हैं आप सब? और ये देखिए बेबी क्या बन रहा है, तेज बोलो। रसगुल्ले, ये रसगुल्ले देखो, रसगुल्ले की आवाज़ ही अच्छे से नहीं निकल रही है क्योंकि जीभ में पानी आ रहा है ना बेबी। हाँ बेबी को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कि कब रसगुल्ले बनेंगे और मैं सबसे पहले खा लूँगी। तो आज उसी की फरमाइश पे रसगुल्ले यहाँ पर बन रहे हैं। और ये तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लोग इनको फ्राई कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई होंगे। और जब हम लोग इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं ना, तो ये देखिए इनका कलर बहुत प्यारा आता है और ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो है फ्राई होते हैं, एकदम गोल्डन कलर के बना लीजिए, या आपको ब्लैक करना है तो ब्लैक भी इसको आप कर सकते हैं। और वैसे इसके पैकेट में लिखा हुआ था कि 35 पीस बनेंगे इसमें, बट मैंने 25 बनाए हैं क्योंकि बड़े बड़े साइज़ के थोड़े मैंने बनाए हैं। और आज के रसगुल्ले की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइए कि गंगा की मेरे रसगुल्ले कैसे हैं। तो चलिए बनाने के बाद मिलते हैं। और ये फ्राई हो जाते हैं, कम से कम 5 मिनट का टाइम तो इनमें लगता ही है। और उधर मैंने चाशनी बना ली है, चाशनी को मैंने कढ़ाई में पलट दिया है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, क्योंकि इसका जो है ना सरफेस ज़्यादा है और मैंने इंडक्शन पर बनाई है चाशनी, क्योंकि उसका बर्तन इतना बड़ा नहीं है, उतनी गहराई के नहीं है, इसलिए मैंने पतीले में चाशनी बना ली थी। और ये मैंने एक तार की चाशनी नहीं बनाई है, ये वाली चाशनी बनाना मैंने आप लोगों को बताया है एक सेपरेट वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाइएगा और देखिएगा। तो देखिए रसगुल्ले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो चलिए बताती हूँ फिर मैं आपको आगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम मतलब मैं कहूँगी कि कत्थाई कलर में, जैसे कि हम लोगों को मार्केट में मिलते हैं, वैसे मैंने कलर का इनको फ्राई कर लिया है और अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो आप इसी तरीके से रसगुल्ले बनाइएगा, आई होप आपको रेसिपी पक्का पसंद आई होगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मैं हमेशा कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बोलती रहती हूँ, इससे मतलब जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं या ये कमेंट ही कर देते हैं ना, तो हमें इतना
इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उससे, और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ हमें कोई देख रहा है और हमें कोई मोटिवेट कर रहा है। तो जब अपने ही अपनों को मोटिवेट करते हैं तभी कुछ अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती रहती हूँ। और आइएगा, हमारे इधर रसगुल्ले आप लोगों के लिए बन करके हैं तैयार। तो किस किस को है रसगुल्ले खाना पसंद, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मैंने गैस पहले ही बंद कर दी थी, तो थोड़ा तेल गर्म है हमारा, तो तब तक और फ्राई होने देते हैं, फिर हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए थाली में मैं इनको निकाल लूँगी, एकदम कड़क अच्छे करकरे से जो है फ्राई हो करके हो गए हैं तैयार। तो ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं एकदम, और ये देखिए मैं आपको उठा करके दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। कुछ मैंने बड़ी क्वांटिटी में बनाए हैं, मतलब बड़ी साइज़ में बनाए हैं, कुछ मैंने छोटे साइज़ में बनाए हैं, क्योंकि बच्चे बार बार एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, इसलिए छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे और बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े। तो हमारे यहाँ ये सिर्फ दो या तीन बार में ही ख़त्म हो जाएंगे, तो हम वैसे चार पाँच लोग हैं खाने वाले, लेकिन दो या तीन बार में ही ये ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं हमारे घर में ये। तो ये देखिए मैंने अपनी जगह साफ़ कर दी है, और अब हम इसको कढ़ाई में जो है पलट देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं रसगुल्ले के करके जब चाशनी में जा रहे हैं। तो किस किस के मुँह में आ रहा है पानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों से कोई मिस्टेक होती है रसगुल्ला बनाने में, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। रियली मैं, आप विश्वास कीजिएगा, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ में रहती थी वहाँ कॉलोनी में, जब हम लोग बर्थडे पार्टी मनाते थे, तो मैं 10-10 पैकेट, 5-5 पैकेट रसगुल्ले बनाती थी। मतलब इतने ज़्यादा लोगों को बुलाते थे, तो सभी की प्लेट में एक एक दो दो रसगुल्ले नाश्ते के साथ में जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं इतने इतने सारे रसगुल्ले इसी तरीके से बनाया करती थी। अगर तब मैं ब्लॉग बनाती तो पक्का आप लोगों को सब कुछ दिखाती, बट इधर ऐसा नहीं है। अभी तो कोरोना चल रहा है, तो इस चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। देखिए किस तरीके से तैर रहे हैं हमारे रसगुल्ले, और जब इनमें चाशनी भर जाएगी तो ये अपने आप नीचे तली में बैठ जाएंगे। अभी देखिए, ये देखिए अभी मतलब आधे घंटे बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ, तली में बैठना स्टार्ट हो गए हैं। किस तरीके से देखिए, बिल्कुल ऐसा टूटने का डर नहीं है कि आप कलछी को चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे, नहीं, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं देखिए। और इस तरीके से आप रसगुल्ले बनाएं। अभी देखिए मॉर्निंग में खाने में मतलब बिल्कुल अच्छी चाशनी इसमें चली जाएगी, अभी भी चली गई है, बट आप मॉर्निंग में खाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसलिए मैं हमेशा रसगुल्ले रात में ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे एक एक दो दो अभी खा करके सो जाएंगे, इसके बाद में मॉर्निंग में इतने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे ये, बहुत ज़्यादा। और किस किस को मेरी रेसिपी पसंद आई रसगुल्ले की, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम इनको ढक करके रख देते हैं, ज़्यादा कड़क इनको नहीं ढकना है, बनाने के बाद तुरंत फ्रिज में नहीं रखना है, और फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का बहुत कम से कम यूज़ करें। अभी कोरोना के टाइम में जितना हो सके अच्छी चीज़ों का, मतलब रूम टेम्परेचर पे चीज़ों का यूज़ करें, और अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। बस इसी दुआ के साथ आज मैं अपने वीडियो का करती हूँ एंड। और ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है रसगुल्ला, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, एकदम पास से गुलाब जामुन कितना प्यारा दिख रहा है देखिएगा। तो चलिए बाय।